क्या ख्याल है, क्या उम्र होगी उसकी 6 साल पहले? 13 साल। 13 साल की उम्र में एक लड़का जो इस वक्त हम अपने बच्चों को बाहर भी निकलने नहीं देते, वो बच्चा एक मुल्क छोड़ के अपने खानदान की हिफाजत के लिए यूही आ गया और किसी होटल में वेटर बन गया। तुम सोचो कि जो उसके पढ़ने पढ़ाने की उम्र थी, बताने का मकसद ये है कि जिंदगी में कोई भी अब परेशानी से बचा हुआ नहीं है। नौयत फर्क हो जाती है, जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो इसलिए भी परेशान है कि पैसा नहीं, और जिसके पास पैसा है वो इसलिए परेशान है कि और कुछ मजीद परेशानियां हैं, टैक्स की परेशानियां हैं, सेहत की परेशानियां हैं, चोरी का डर है, गवर्नमेंट का डर है, अपने मुल्कों में क्या नहीं हो रहा सब पता है आपको, सही है, करप्शन कहाँ पहुँच गई, तो टेंशन तो की कोई कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। अब चाहे वो फाइनेंशियल टेंशन हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब चाहे वो फिजिकल टेंशन हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काम पे जाना, और चाहे वो केमिकल टेंशन हो जो मैं गलत सलत खा रहा हूँ, टेंशन रिलीज करने के लिए सिगरेट पी रहा हूँ, टेंशन रिलीज करने के लिए गुटखा खा रहा हूँ, टेंशन रिलीज करने के लिए शराब पी रहा हूँ कि थोड़ी देर मुझे नींद आ जाए वरना मैं परेशानी से सो नहीं पाऊंगा, होता है ये? और हम सब इसके लिए मजबूर करार दिए जाते हैं कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं टेंशन में हूँ तो मैं तो करूँगा ही, एक फरार का रास्ता, ये सही नहीं है। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल, अब शीशा जो है फैशन में आ गया, अगर आप एक महफिल में बैठे हैं और आप शीशा नहीं पीते तो आप उस महफिल में बैठने के लायक नहीं, क्योंकि कहेंगे यार तुम शीशा नहीं पीते कैसे आदमी हो, तुम ये क्या बात है, क्या कोई सिगरेट थोड़ी, वो सिगरेट से ज़्यादा मुझे 200 times मोर टॉक्सिक, तो दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग, और उसकी वजह से 75% ऑफ द पीपल आर मोर टेंस, और उस टेंशन का इलाज क्या होगा, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, सही कह रही हूँ, एसिडिटी, फिर आपको नींद की गोलियाँ, प्लस साइकोलॉजिस्ट के पास बैठे हुए होंगे या डबल काम कर रहे होंगे कि मैं अपनी दवाओं का तो खर्चा निकालूंगी, सही, तो ये टेंशन तो खत्म होने वाला नहीं, तो इस टेंशन को टेंशन लेने से बढ़ जाएगा, टेंशन को मारना है अपने जिस्म को चेंज करके, अपनी सोच को चेंज करके, तो जो हैबिट्स है ना वो आपकी आदत आपकी सेहत खराब करती है, जैसे नींद की खराबी है, अब हम लोग रात को जागते हैं जिसमें सोते हैं, 80% लोग जो घर में हैं खवातीन ये जो नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं वो मजबूर है, उनको रात को काम करना है, दिन में सोना है, लेकिन अल्लाह ने रात को नींद के लिए बनाई थी ना, नींद के लिए बनाई थी, उसका कोई मकसद था, वरना अल्लाह ये कहते थे कभी भी सो लो, क्यों कहा कि मगरिब के बाद कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओ, क्यों कहा कि रात को खाना खाने से पहले 2 घंटा आप जागो, क्यों कहा कि रात को थोड़ा वॉक करो, इसलिए कि ये जरूरत है, और हम क्या करते हैं, रोशनी जल रही है, ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल है, टकड़क टकड़क उंगलियाँ चल रही हैं, आँखें जल रही हैं, मगर हमारी नींद का टाइम तो हमने गुजार दिया, नतीजा क्या हुआ, वो रेडिएशन, वो आदत की खराबी है, कहाँ से कहाँ ले जाती है, कभी कहाँ नहीं, बार लाइफ स्टाइल डिजीजेज जिसको मैं कहती हूँ, लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से हम खुद अपने आप को बीमार कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नतीजा क्या हुआ कि हमें वापस अपनी गजा पे आना पड़ेगा, क्योंकि गजा ही अंदर से आपको ठीक कर सकती है, दवा ऊपर से आपको तकलीफ देती है, कपड़ा मर भी ठीक करेगी बीमारी के जड़ को, लेकिन जो बीमार होने से रोकेगी वो आपकी गजा है, और उस गजा को चूज करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई भी 90% अगर डैमेज होता है वो लाइफ स्टाइल चेंज होता है, जो आपकी बॉडी में जो डैमेज हो चुका है वो 90% आपकी अपनी आदतों से, गजा से, आपकी जेनेटिक्स से होता है, 10% कोई तोहफा देता है बीमार, यानी कोई बुखार वाला सीने या फ्लू फैला दिया, 10%, बाकी आपकी अपनी कमजोरी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी कौन पढ़ाएगा, तो पूरी दुनिया के साइंसदान परेशान हुए, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल बात होगी, अब चूंकि वेलनेस इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है तो चलो कोई ऐसी ब्रांच बनाते हैं कि लोग दवा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं ना, हम सब लोग न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, तो सारे फार्मेसी वाले भी परेशान हो गए, दुकान दवाइयों की दुकान कैसे चमकेगी, जब लोग बीमार नहीं होंगे तो उन्होंने कहा चलो एक फील्ड नहीं बनाते, उसको हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब गजाई में से टमाटर की मैं टेबलेट बना दूँ, यू नो ये सब बोल कि मैं भूसी से आपको पेट ठीक कर दूँ, या मैं ऑरेंज के फ्लेवर में विटामिन सी बना दूँ,
उसको उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांच ही अलग कर ऐसी गजाएं जो जरूरी हैं आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए, उसको फार्मेसी के एक ब्रांच बना के वहां से बिजनेस शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंटीऑक्सीडेंट्स की, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस बात का एहसास हो गया कि दवा से ज्यादा गजा से ही इंसान को बचाया जा सकता है। और ये रेवोल्यूशन आ गई आज से कोई तकरीबन 150 साल पहले, और उससे क्या फायदा हुआ कि अब सारे लोगों ने गजा पे काम करना शुरू किया। डॉक्टर लिम ने भी गजा पे काम किया ना, नेचुरल फूड पे काम करके आपको पहुंचाया। तो ये भी न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांच हो गई सेहत को मेंटेन करने की। कैसे? ऐसे कि अगर आपको पता चल जाए कि जिस जगह आप काम करते हैं उस जगह के अपने मसाले, आप पैदा हुए नेपाल में, आप पैदा हुए बांग्लादेश में, आप पैदा हुए इंडिया में, पाकिस्तान में, जिस माहौल में आप पैदा हुए ना, आपकी बॉडी उस माहौल की आदि है, उस गजा से। जैसे अगर पाइनएप्पल आपको बंगाल में मिलता है, ठीक है, फिर हर जगह पाइनएप्पल नहीं मिलता। कोई दूसरा आदमी किसी और जगह का अगर पाइनएप्पल खाता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको आदत नहीं है, उसके माहौल में नहीं है। सही, इसी तरह हर मशरूम खाने वाला नहीं है। जो मशरूम खुदरा उग रहा है बारिश के बाद सफेद छतरियां, हो सकता है वो पॉइजनस हो, तो आप कहते हैं भाई मैं तो नहीं खा सकता, ये रेडिशी मशरूम भी तो मशरूम है। तो मशरूम की भी एक लंबी दास्तान थी, 28,000 मशरूम के ऊपर काम किया गया, उसमें से सिर्फ 200 मशरूम जैसे थे जो खाए जा सकते थे, बाकी पॉइजनस। उन 200 में से भी सिर्फ 8 मशरूम ऐसे हैं जो दवाओं से बेहतर अपनी हैसियत, उसके ऊपर काम किया गया। और डॉक्टर आपके बहुत सारे यहाँ तक कह दिया कि अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में आ गए तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, डॉक्टर्स को मात दे दो। फिर ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, जिसने उसको बिजनेस में ले लिया ना, सेहत अपनी बनाई और उसको बिजनेस बना लिया, तो वो तो बिजनेस फेल होने वाले नहीं है, क्योंकि दांत सबके हैं, स्किन सबकी है, बाल सबके हैं, सबको साबुन चाहिए, सबको शैम्पू चाहिए, सबको टूथपेस्ट चाहिए, तो ये बिजनेस कभी खत्म होने वाला है नहीं ना। तो इसीलिए इसको सब वर्ल्ड क्लास बिजनेस कहा गया। सेकेंडली, न्यूट्रास्यूटिकल्स नेचुरल होते हैं, यानी कुदरती तौर पे निकाले गए होते हैं, और जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जिस दिन आपका इरादा आपका अमल का चेंज कर दे। मसलन मैं उठूं सुबह, हमें कहती नहीं दिन चारा जाने, मैं उठूं कि भाई चलो मैं वो बोतल दूर पड़ी है मैं उठा लूं, बोतल दूर पड़ी है मैं वहां से उठा लूं, अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहां से जाके ग्लास उठाने की, तो उसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ये पहला साइन है कि जब आपको ये कुदरत बता रही है कि आपका जिस्म जो है आप बीमारी की तरफ जा रहा है, एजिंग प्रोसेस में आपको अब होश के नाखून लेना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको अपने लिए अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप दवाइयों की तरफ जा रहे हैं, थक रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या एज हो रही है, या आपकी गजा में हिदायत नहीं है जो आपको ताकत दे कि आप सुबह उठ के काम कर सकें, नींद पूरी नहीं है, सुबह उठते हैं तो आपको अभी तक ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और सो जाऊँ, होता है कि थोड़ी देर और लेट जाऊँ, अब नमाज का टाइम यार थोड़ी देर आखिर आखिर में पड़े, हम सब लोग ऐसे ही। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप फिट नहीं हो, आप अपने इरादा आपने बना लिया कि मुझे ये करना है, तो आप खुद के उठोगे और काम करोगे, तेजी से चलोगे। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ढीले हो, तो कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोपिकली एट द सेल लेवल आपका डैमेज होता है। आप बैठे बैठे जवाइयाँ ले रहे हो, अभी नाश्ता करके आए हो, खाना खा के घर से निकले हो, और 10 बजे जाके आपका दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का, सर में दर्द शुरू हो गया, होता है, बॉस ने कुछ कह दिया, आपने रिएक्ट कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये सब क्या है, ये आपकी बॉडी का बैलेंस आउट हो रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हो उन चीज़ों को जिनको आम आदमी रिएक्ट नहीं करता, सेहतमंद आदमी रिएक्ट नहीं करता, डल फील कर रहे हो, थक रहे हो, थोड़ा सा काम करके थक गए। अभी मुझे किसी ने कहा, डॉक्टर साहब आपने मुझे 1 किलोमीटर चलने का है, मैं तो 20 मिनट आगे चल के ही मेरे टाँगों में दर्द शुरू हो जाता हूँ, 22 साल की लड़की, 20 मिनट के बाद अगर तुम्हारी टाँगों में दर्द हो रहा है तो किस किस्म का ये 22 साल है, तो फिर तुम 80 साल में क्या करोगी, 80 साल में तुम बिस्तर से भी उठने वाली हो, सही, जब 20 साल की उम्र में वो 20 मिनट नहीं चल पा रही, ये क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी गजा में कमी है।
तो जिस तरह हर मसले के कई हल होते हैं, इंसान बोलता है ये करूँ ये करूँ ये करूँ, लेकिन एक बेस्ट होता है ना, वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ये से वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बेहतरीन गिफ्ट अल्लाह का इसी मशरूम स्पारोलिना और मॉरली। आज मैं सिर्फ ज्ञानोरमा पे बात करूंगी और लेटेस्ट अपडेट ऑन ज्ञानोरमा, आज का डॉक्टर आज का साइंसदान ज्ञानोरमा के बारे में क्या कहता है। आप और मैं साइंटिस्ट इस लिहाज से नहीं क्योंकि हम ज्ञानोरमा पे काम नहीं कर रहे, जो लोग सिर्फ ज्ञानोरमा पे इसलिए काम कर रहे हैं तो उनको ये पूछना है कि ये है क्या भला, कैसे ये फायदा करेंगे, क्यों नहीं हम इसकी दवा बना डालें। अब ये सेंचुरी जो चल रही है, लोग समझ रहे हैं कि ज्ञानोरमा से दवाएं बनाना पड़ेंगी, और अभी तक वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि जैसे ही वो उसका कोई एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसका उतना फायदा नहीं होता, जब वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो फायदा होता है। जैसे मैं एप्पल जूस में से सिर्फ फ्लेवर ले लूं तो सिर्फ फ्लेवर ही आएगा ना, पूरे वाइटमिन्स तो नहीं आएंगे उसे। इसी तरह वो अपने हद में रह के वो काम करता है तो बेहतर काम करता है, जहाँ उसको उसकी हदों से निकाल दिया जाता है उसके काम में कमी आ जाती है। तो ज्ञानोरमा पे बात करेंगे, जिसको लोग ऋषि रिंगजी योंगजी मशरूम ऑफ इमोर्टैलिटी और नवाज क्या क्या नाम देते हैं, 1990 से आज तक लोग इसके ऊपर तजर्बे कर रहे हैं और घर तक पहुंचा रहे हैं। ये सफर मेरा शुरू हुआ 2008-2009। ये तस्वीर मैं जान के आज आपको दिखा रही हूँ, उसके नाम तक में मुझे शौक नहीं है अपनी तस्वीरें दिखाने का क्योंकि मैं हूँ वैसे बहुत खूबसूरत ऊंचाती नजर न लगे मुझे। जो आपका सेल की जिम्मेदारी है
वो गैमरमा हर महास्पिरल और किस तरह करता है वो तकलीफ जो बात है, बहुत ज्यादा डिटेल उतना मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बात साबित हो गई कि इस वक्त इस पूरी दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मशरूम नहीं है जिसकी इतनी प्रॉपर्टी क्राउन विच नो बडी कैन टेक, कहते हैं ये बेताज बादशाह। आज मैं पुराने जितने मेरे थेरेपिस्ट हैं या जो मेरे लीडर्स हैं और जितने नए मेहमान हैं उनको आज का मौका इसलिए अच्छा है कि ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये बड़ी निचोड़ है, साइंटिफिक है, डॉक्टर रंजन मैं और 10-5 और आर्टिकल्स हमने गवर्नमेंट से लिए हैं और सिर्फ आपको मैंने ये स्ट्रेस करना है कि कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना डी सर। आप एक ऐसी कंपनी में हों तो हाईली क्वालिफाइड और साइंटिफिक बेस बात करते हैं, हम चूरन नहीं बेच रहे, हम टूथपेस्ट नहीं बेच रहे, वी आर गैनो बाबास, ऑल ऑफ अस आर गैनो बाबास। इसलिए आम आदमी को खबर तक नहीं कि गैनो क्या है, आपको पता है तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई क्योंकि आपको मालूम है और बेवकूफ होता है कि उसको मालूम हो और वो फिर उसकी प्रैक्टिस करे, है ना। कर्म वो है जो जाने उसकी प्रैक्टिस करे, आपने सुन लिया काम बंद कर लिया उसके बाद चले गए तो फायदा कुछ नहीं, बात करने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वी कैन नॉट चेंज। तो बेनिफिट्स, रीसेंट बेनिफिट्स दो तरह से काम करता है, एक तो जो बीमारी है दवा के साथ साथ आपको हेल्प करता है, दवा के साथ साथ आपको हेल्प करता है, रिपेयर करता है सेंस, दूसरे बढ़ने नहीं देता किसी बीमारी को, तीसरे आपको बीमार नहीं पड़ने देता। तो ये तमाम खासियतें दवा से ज्यादा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के देखें कि कैसे काम कर रहा है, एक तो ये कि आपकी फ्री रेडिकल्स जो आप